अत्यंत दुख के साथ ये सूचित करना चाहूँगा कि हमारा उदय मंदिर थाना क्षेत्र में तैनात सब इंस्पेक्टर महेंद्र चौधरी, जो कल बंद के बंदोबस्त ड्यूटी में उनको हार्ट अटैक आया था, वो बेहोश हो गए थे। उनको फिर यहाँ श्रीराम हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया था। यहाँ पे CPR और इनिशियल जो उनका ट्रीटमेंट था वो दिया गया, और उसके बाद आज परिजनों ने ये फैसला किया कि उनको अहमदाबाद शिफ्ट किया जाएगा, क्योंकि उनके मल्टी ऑर्गन फेलियर की तरफ ये माना गया कि ये वहाँ पर ज़्यादा अच्छी सुविधाएँ मिल पाएंगी। तो डॉक्टर्स और परिजनों ने जो ये फैसला किया, तो उनको आज अहमदाबाद लेके जाया जा रहा था। इस दौरान उनको रास्ते में एक सीवियर कार्डियक अरेस्ट और आया है, और अनफॉर्चुनेटली ही इज़ नो मोर। और इसकी हम आधिकारिक घोषणा करते हैं कि ही इज़ एक्सपायर्ड वेरी वैलियंटली। जो यहाँ पे ड्यूटी कर रहे थे उसमें अपनी ड्यूटी करते हुए आज वो एक्सपायर हो गया। उनको यहाँ से श्रीराम हॉस्पिटल से, जैसे मैंने बताया, जाइडस हॉस्पिटल शिफ्ट किया जा रहा था। यहाँ से हमने ग्रीन कॉरिडोर थ्रू आउट यहाँ की पूरी रेंज में और अहमदाबाद में भी उपलब्ध कराया, और जो बेस्ट फैसिलिटेशन था वो हमारा रहा यहाँ पे। और इसके अलावा ये मैं यही कह सकता हूँ कि जोधपुर पुलिस टेक में एक बहुत ही यंग, डायनेमिक, सिंसियर और हार्ड वर्किंग ऑफिसर को खोया। फिर वापस मुख्यालय पर आए और पोस्टमार्टम को सुबह हमने उसके बाद आगे की। सर, इस भीड़ में जो ये हरकत, प्रथम दृष्टया ये हार्ट अटैक ही लग रहा है, और हम बाकी सारी चीज़ें पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के बाद। सर, एक बार उसको चोट भी आ रखी थी। सर, कुछ फुटेज मीडिया के पास आया है उनके, वो अभी लोगों की भीड़ में घिरना और उसके बाद हार्ट अटैक आना, क्या ये दुर्घटना ही मान लें? मैं कह रहा हूँ अभी ये जो आपसे ये हम ये कर रहा हूँ मैं आपके साथ गोष्ठी, ये सिर्फ ये अधिकारिक पुष्टि करने के लिए की गई है कि वो इज एक्सपायर्ड इज नो मोर। बाकी जो सभी फैक्ट्स हैं वो आप जानते हैं, मतलब ये मैं मानता हूँ कि सभी जानने को उत्सुक है। हम इन चीज़ों पर समस्त दृष्टि से इनको उसमें लेंगे, फैक्ट्स को हम फाइल लेके इनके पूरी चीज़ आपसे शेयर करेंगे, क्या जैसे ही वो हमारे सामने। सर, हत्या के मामले दर्ज, मैं वही कह रहा हूँ कि ये चीज़ आप बहुत जल्दी हमसे पूछ रहे हैं, पहले हम इस चीज़ को परत दर परत कर लेंगे, और जैसे हमारे साथ जो ट्रुथ आता जाएगा हम आपसे शेयर करेंगे। सर, बंद के दौरान वो आपसे आज के अखबारों में भी था, आपको पता ही है, तो आप दोबारा रिपीट करना चाहते हैं। तो हमारे जितने भी मुकदमे हुए थे उसमें से एक मुकदमे में यहाँ पे जो उदय मंदिर में हुआ था, वहाँ कुछ लोगों को 151 में अभी बंद किया गया था कल रात को। उदय मंदिर और खाड़ा फलसा में भी 151 में किया गया था। एक मुकदमा जो यहाँ उदय मंदिर में हुआ है उसके अनुसंधान में आगे बढ़ रहा है, उसमें आज कुछ गिरफ्तार हुए। सर, सर कुछ हो